हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ विवो Y75 डिवाइस के अंदर आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे, जो आपके स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट लॉक लगता है आप उसको अपने फ़ोन में कैसे लगाओगे। फ्रेंड्स, इसका सेटिंग मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी अच्छा लॉक होता है, आपको अपने फ़ोन में यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने फ़ोन में यूज़ भी बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं इसको अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को। तो उसको कैसे लगाना है यही सेटिंग मैं आप अपने वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आप अपने स्क्रीन पर ले जाते हैं और आपको बताते हैं आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा डिवाइस यहाँ पर शो हो रहा है। अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को क्लिक करना है। आप जैसे सेटिंग को क्लिक करोगे, सेटिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को। तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है सिक्योरिटी का ऑप्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिला सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह सेटिंग आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाओगे तो उससे पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक में कोई पैटर्न या पिन लॉक लगा लेना है, तभी आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे। तो पहले आपको अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट से पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक पे पैटर्न या पिन कोई भी लॉक लगाना है, इसके बाद आपको अपने फिंगरप्रिंट को ऐड करना वहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले अपने स्क्रीन लॉक में कोई लॉक लगा लेते हैं पैटर्न या पिन, इसके बाद हम यहाँ पर अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने स्क्रीन में कोई लॉक लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं अपने फ़ोन में हम यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्न लॉक लगा ले रहे हैं अपने फ़ोन में और इसके बाद यहाँ पे पैटर्न लॉक को कंफर्म कर देते हैं और इसके बाद हमारे फ़ोन में जो है कन्फर्म हो जाता है। अब हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक लग चुका है और हम अब यहाँ पर अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन लॉक एंटर करना है। जो आपने स्क्रीन लॉक लगाया है उस लॉक को यहाँ पे एंटर करना है, जो आपका पासवर्ड या पैटर्न है आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा आपको फिंगर ऐड करने को। आप देख रहे हैं आपको फ़ोन में फिंगर ऐड करने को आएगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा आपको किस तरह अपने फ़ोन में फिंगर को ऐड करना है। तो फिंगर को जब भी आप ऐड करेंगे एक बारी में नहीं ऐड होगा, उसको बार बार धीरे धीरे आप टच करेंगे, थोड़ा सा उंगल को साइड में इधर उधर करके आप करेंगे तो आपका पूरा फिंगर वहाँ पे ऐड होगा। एक बारी आप सोचेंगे रख दूँ तो फिंगर नहीं ऐड होगा, आपको वहाँ पर बार बार धीरे धीरे इधर उधर करके ऐसे रखना है। तो वहाँ पर आपको इस तरह अपने फ़ोन में फिंगर को बार बार टच करके अपने फिंगर को ऐड कर लेना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट इनपुट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिंगर ऐड करने को आ जाता है। आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में यहाँ पे फिंगर ऐड करने को आ चुका है। तो अपने फ़ोन में हम पूरा फिंगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं बारी बार टच करके। तो आप देख रहे हैं हमारा फिंगर यहाँ पे धीरे धीरे ऐड हो रहा है। तो आपको भी अपने फ़ोन में इसी तरह से बार बार टच करके अपने फिंगर को ऐड कर देना है। आपका जब फिंगर पूरा ऐड हो जाएगा इसके बाद आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में फिंगर लॉक ऐड हो जाएगा। हमारे फ़ोन में अब फिंगर लॉक लग चुका है। अब जब कभी मैं अपने फ़ोन को लॉक करूंगा इसके बाद हमें जो है वहाँ पे पैटर्न या पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हम अपना फिंगर अटैच करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली जो हमारा फ़ोन है अनलॉक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में यहाँ पर एक फिंगर प्रिंट ऐड हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आप फिंगर ऐड करना चाहते हैं, एक या दो चार भी ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, दो चार उंगुल का भी ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और उससे भी अपने लॉक को आप खोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में फिंगर लॉक लग चुका है और हम अब यहाँ से सेटिंग को कट कर लेते हैं। और सेटिंग को कट करने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को एक बार लॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारा फ़ोन है वो लॉक होने के बाद अनलॉक होता है या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं अपने फ़ोन को हम यहाँ पर अनलॉक करते हैं तो हमारा फ़ोन जो डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी एंटर करने को नहीं आता है। जैसे हम अपने फ़ोन को लॉक करते हैं हमारा फ़ोन अभी आप देख रहे हैं लॉक है और हम जैसे यहाँ पे फिंगर ऐड करेंगे हमारा फ़ोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है और जैसे हम यहाँ पे फिंगर ऐड करेंगे तुरंत ही हमारा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट लॉक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी अच्छा है। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।